मैडम जी आपसे कोई मिलने आया है। कौन? मैडम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। नाम बताया उन्होंने? पूछने की कोशिश की मगर उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना नाम बताऊंगा तो आप उनसे मिलने से इनकार कर देंगे। अच्छा, कहाँ बिठाया उन्हें? वेटिंग रूम में। मैं आती हूँ। आप कहें तो मैं उनको यहाँ भेज दूँ? नहीं नहीं वहीं आती हूँ। भाभी भाभी, अरे अस्सलामुअलैकुम। अरे ये आपने क्या तकल्लुफ किया है? ओफो, बैठे आप बैठे, तशरीफ रखें। बस तकल्लुफ क्या भाभी, कुछ भी नहीं किया, इतनी जल्दी में हो गया सब अचानक, कर ही नहीं सकी मैं तो कुछ। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आपको पता है भाभी, इसके अब्बू ने तो पूरा प्लान बनाया हुआ था आयत की शादी के लिए, दोनों मिलके पता नहीं क्या क्या लिस्टें बनाते रहते थे। बहुत नाराज होंगे उन्हें पता चलेगा कि उनकी लिस्ट में से तो मैं एक चीज भी नहीं कर पाई। उसमें एक नाश्ता भी था, वो तो बहुत लंबा चौड़ा था, याद है तुम्हें? मैंने तो वो सब नहीं किया। वो शाहजहां को मेरे हाथ के हलवा पूरी पसंद है, बस वही बना लाई हूँ। अरे मैं तो बस आपके ख्याल की वजह से ही कहती। चले कोई बात नहीं, जाओ बेटे जाओ, शाहजहाँ को बुला के लाओ, नाश्ता करें। शाहजहाँ वो दरअसल उसके ऑफिस से फोन आ गया था ना, तो वो अचानक उसे जाना पड़ा जरूरी काम से। ऑफिस आज भी? जी। ये नौकरी वालों के साथ ना यही मसले, मेरू को भी आज ही ज्वाइन करना पड़ा। अच्छा आप बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ, फिर साथ करते हैं सब। अभी भी कुछ बाकी रह गया है कहने को? कोई कसर छोड़ी है तुमने? मैं तो जानता नहीं हूँ तुम कैसे समझोगी, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी मुझे। बड़ी जल्दी तुम्हें एहसास हो गया। तुम जो सजा देना चाहती हो मुझे दे दो, जितना बुरा भला कहोगी तुम्हारा हक बनता है, कह दो। लेकिन एक बार, बस एक बार मुझे माफ कर दो मेरू, तुम्हें खुदा का वास्ता। तुम्हारे अब्बू और मैं हमेशा सोचते थे कि तुम्हारी शादी के बाद हम दोनों घर में बिल्कुल अकेले होंगे, क्या किया करेंगे। लेकिन आज सुबह किचन में मेहरू को देखा तो सारी प्लानिंग ही चौपट हो गई यार। मगर कोई बात नहीं, क्या कर सकते है ना। चलो अल्लाह को मंजूर, तुम अपने सारे अरमान पूरे करना। तुम ऐसे क्यों फिर रहे हो बेटे, कुछ पहना क्यों नहीं है? ओहो मियां साहब सुबह सुबह दफ्तर चले गए इसलिए? आ जाएंगे थोड़ी देर में, तुम तो तैयार हो। अपने वो मीने वाला सेट पहनो ना जैसा प्लान किया था तुमने, और अपना वो फिरोजी वाला। क्या हुआ आयत, क्या हुआ? बहुत याद आई अम्मी।
वो तो आने था। अम्मी की शादी कराने में शादी कराने अब चला पता। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन यकीन करो मेरा वक्त हालात वैसे थे, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया तुम सच बोल रही थी या झूठ, मैं ये तय ही नहीं कर पाया। उसकी बहुत सजा मिल रही है मुझे, बेचैन हूं, बेसुकून। ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ, इसलिए आज आखिरी बार आया हूं तुमसे माफी मांगने। बस कितनी आसानी से तुम माफी मांगने चले आए ना। तुम जानती हो तुम्हारी उस गलत फहमी की वजह से मैं आज तक उस गुनाह की सजा भुगत रही हूं जो मैंने कभी किया ही नहीं। तुम्हारी गलत फहमी की वजह से मेरे अब्बू हम सबको छोड़ के चले गए। लोगों की बातें, उनकी आंखों में छुपी हुई नफरत, शक मुझे जीने नहीं देता, मुझे अंदर ही अंदर शर्मिंदा कर देता है। घिनाने लगती है मुझे खुद से। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, बस अब चले जाओ। हाँ छोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, नफरत ना हमदर्दी और ना ही माफी। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि सब कुछ भुला के मैं तुम्हें माफ कर दूँ। माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी।